ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव सुधीर शर्मा ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर अपना गांव अपना काम कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सुधीर शर्मा ने कहा कि कोरोना ने हमें वर्क फ्रॉम होम करना सिखा दिया है, ऐसे में भविष्य में यदि ऐसा कुछ होता है तो सभी को इसके लिए पहले से ही तैयार रहना होगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं प्रदेश के पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने अपने जन्मदिवस पर अपना गांव अपना काम कार्यक्रम लॉन्च किया। इस मौके पर सुधीर शर्मा ने कहा कि स्वरोजगार व रोजगार के लिए समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए वेबसाइट लॉन्च की जा रही है। इसके अतिरिक्त ईमेल और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए गए हैं। सुधीर शर्मा ने कहा कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की गई है ताकि बाहर के राज्यों से जो लोग काम धंधे छोड़कर प्रदेश में लौटे हैं वे यहीं रहकर अपने ही गांव में कार्य कर सकें। उन्होंने कहा कि इसके लिए उनके साथ विशेषज्ञों की टीम भी है जो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जानकारी युवाओं को प्रदान करेंगे। सुधीर शर्मा ने कहा कि अभी शुरुआत धर्मशाला से की गई है, भविष्य में अन्य जिलों में भी कार्यक्रम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 50% से अधिक महिलाएं हैं जिनमें अधिकतर गृहिणियां हैं और उन्हें भी इस कार्यक्रम में सहभागी बनाया जाएगा। सुधीर शर्मा ने कहा कि वे इस कार्यक्रम को प्रदेश स्तर और जिला स्तर पर लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर ब्लॉक में वॉलेंटियर्स रखे जाएंगे जो अलग अलग फील्ड जैसे कृषि, बागवानी, फ्लोरिकल्चर, पोल्ट्री, आईटी, टूरिज्म और फिशरी से संबंधित लोगों को हर तरह के सुझाव उपलब्ध करवाएंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। अपना गाँव अपना काम वर्तमान परिस्थितियों में मैं समझता हूँ कि सबसे ज़रूरी कार्यक्रम था जो कि हमारे प्रदेश को चाहिए था। बहुत सारे हमारे नौजवान हैं अधिकतर जो कि प्रदेश से बाहर देश से बाहर जो है जा कर के अपना रोज़गार कमा रहे थे, आज वो कोरोना के चलते वापस आए हैं। भगवान ना करे कल को ऐसी और महामारियाँ आती हैं विश्व के अंदर तो फिर ऐसी परिस्थितियाँ पैदा होंगी, तो हमें खुद ही सक्षम बनना होगा और खुद ही ऐसे कार्यक्रम लेकर के आने होंगे जिससे कि स्वरोजगार और रोजगार प्रदेश के अंदर पैदा हो जो हमारे साधन और संसाधन हैं। और नई नई इनोवेशंस पूरी दुनिया के अंदर हुई हैं, नई नई तकनीकें आ गई हैं जिसमें कि आप थोड़ी सी ज़मीन के ऊपर भी ज़्यादा पैदावार ले सकते हो या घर से बैठ कर के अगर आप आईटी के क्षेत्र में काम करते हो तो काम कर सकते हो, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ वातावरण अच्छा है। और जो मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी है, तो जो भी व्यक्ति यहाँ से बाहर जाएगा एक तो आधा पैसा उसका किराए के मकान का चला जाता है, वहाँ पर अन्य खर्चे हैं उनमें चला जाता है, तो जीवन में व्यक्ति अगर इस दुनिया में पैदा हुआ है इंसान तो उसको एक इंसान की तरह रहना चाहिए। अगर वो खुशी नहीं है और सारा जीवन भर वो ऐसे ही भाग दौड़ में फंसा रहता है तो उसने फिर पाया क्या ऐसे प्रदेश में पैदा हो करके। तो यहीं हम अलग अलग जो क्षेत्र हैं चाहे वो कृषि हो, हॉर्टिकल्चर हो, फ्लोरिकल्चर हो, फिशरीज़ हो, पोल्ट्री हो, आईटी हो, टूरिज़्म हो, ऐसे ही अन्य जितने भी क्षेत्र हैं उनके अंदर पॉसिबिलिटीज़ तलाश करके जो भी लोग संजीदगी के साथ जिम्मेवारी के साथ इस काम को करना चाहेंगे उनको एंड टू एंड सॉल्यूशन देंगे, फाइनेंसिंग करवा देंगे, एक्सपोजर दे देंगे, ट्रेनिंग दे देंगे, मार्केटिंग तक करवा देंगे ताकि वो एक अच्छी आय अपने घर पर रह करके कमा सकें। और वेबसाइट आज हमने लॉन्च की है www.apnagaonapna.com, उसके अंदर वॉलंटियर्स और रजिस्ट्रेशन के फॉर्म्स हैं। ईमेल हमारी है apnagaonapnakaam@gmail.com, एक व्हाट्सएप नंबर है जो साझा किया है सबसे हमने 7220000773, तो इनके ऊपर जानकारी आएगी। इसके बाद हर ब्लॉक के अंदर वॉलंटियर्स रखे जाएंगे जो कि वहाँ के लोगों को वहीं सॉल्यूशन दे दें, और जो एक हमारा सेंट्रलाइज्ड कमांड सेंटर होगा वहाँ पर वहाँ से जिसको सारे को कंट्रोल किया जाएगा। अभी आज यहाँ से इनिशियल लॉन्चिंग हुई है, शुरुआत है। हमारे साथ बहुत सारे साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स और जिन लोगों ने खुद भी काम शुरू किए हैं वो भी जुड़े हुए हैं, तो पूरे प्रदेश के अंदर इसको लेके जाएंगे, हर ज़िले के अंदर अभी हमारी विजिट्स शुरू होंगी। और ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, कम्युनिटी का कार्यक्रम है, समाज का कार्यक्रम है, समाज के लिए और समाज द्वारा। इसमें हमारा कोई स्टेक नहीं, हमारा स्टेक सिर्फ इतना है
कि प्रदेश में खुशहाली हो, लोगों को रोज़गार मिले और एक बड़ा हिस्सा जैसे मैंने कहा कि हमारे प्रदेश में महिलाओं का है, मातृशक्ति जो है 50% से ऊपर है, गृहिणियाँ जो हैं उनका नंबर और उसमें ज़्यादा है, नौकरी पेशा बहुत कम है। तो सारा दिन जो काम करती हैं वो अपने घर पे, उसमें गांव के अंदर पशुओं को भी देख रही हैं, ज़मीन को भी देख रही हैं घर के काम के अलावा, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट कैसे होगी उसके ऊपर भी इसके साथ साथ एक कार्यक्रम आएगा। मकसद ये है कि प्रदेश के अंदर खुशहाली आए, आर्थिकी मजबूत हो, कोरोना के चलते जो लोगों में एक तरह का डिप्रेशन आ रहा है और पैसे की कमी के कारण जो है कहीं ऐसी गतिविधियों में नौजवान ना चले जाएं जिससे कि आने वाली पीढ़ी का नुकसान हो। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट।